हासिल है, लेकिन कोरिया जिले में डॉक्टर की लापरवाही से एक युवक की जान चली गई। दरअसल मनेन्द्रगढ़ वार्ड क्रमांक 14 निवासी युवक की रात में अचानक तबीयत खराब हो गई। पहले तो प्राइवेट नर्सिंग होम के डॉक्टर ने युवक का इलाज करने से मना कर दिया और फिर जिला चिकित्सालय बैकुंठपुर में कोई भी डॉक्टर युवक को देखने नहीं पहुंचा। अस्पताल अधीक्षक सुनील गुप्ता के आवास में छुआकर परिजनों ने मिन्नतें की तो डॉक्टर गुप्ता ने एक पर्ची में दवाई लिख कर दे दी और दोबारा उसके आवास में नहीं आने की धमकी दी। इलाज के अभाव में आखिरकार युवक ने दम तोड़ दिया। उनके बस की बात नहीं थी उनको ट्रीट करना, और बाकी डॉक्टर्स को जिनको कॉन्टैक्ट किया गया वो आ नहीं पाए थे। पेशेंट को डॉक्टर सेंगर के अलावा कोई और डॉक्टर चेक नहीं किया, इसीलिए मैं आई थी परिवार वालों से मिलने, बात करने और जानने की एग्जैक्टली हुआ था। डॉक्टर लोगों को न्याय का दर्जा भगवान बोला जाता है, इनको भगवान का दर्जा मिला है, लेकिन ये तो शैतान है, भगवान नहीं है, शैतान है ये जो लोगों की जान ले रहे हैं। इनको शासन, ये शासन के नौकर हैं, इनको शासन का काम करना चाहिए, लेकिन ये अपने आप को नहीं समझते, ये अपने आप को बड़े अधिकारी समझते हैं। ऐसा नहीं चलने वाला देश हमारा, ये बहुत करप्ट बहुत घटिया आदमी है। मैं निवेदन करूँगा इनको सजा मिलना चाहिए, अगर सजा नहीं मिला ना तो ठीक नहीं होगा। मैंने उनका डे ड्यूटी भी लगा रहा हूँ, नाइट ड्यूटी लगभग बंद कर दिया हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, कहीं भी एक सिंह की ड्यूटी नहीं है, इसको ड्यूटी 4-3 महीने पे इसको देख लीजिए। अब इसमें क्या है, हम रिकमेंड कर करके और डॉक्टर सेंगर और उनका स्टेटमेंट लेकर के भेजू क्या कर रहे डॉक्टर सिंह और अभी तो क्या करते हैं। और मैं कमल दर्द से बहुत परेशान हूँ, पीछे चार साल से, उसके लिए तो आप जानते ही हैं, मैं तो लंगड़ा लंगा पे चलता हूँ। डॉक्टर को इमरजेंसी आवास में फोन नहीं उठाना, उसको अटेंड नहीं करना, और इसके कारण जो मृत्यु हुई है बहुत दुखदायी है, और इसमें सिविल सर्जन के रिकमेंडेशन आने के पश्चात उसका कार्रवाई के लिए मैं ऊपर के अधिकारियों से बात कर कार्रवाई की। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखिए।